के पति की मौत के बाद अब टूनी का कोई ना था। अब टूनी अपने बच्चे को लेके वह अपनी माँ के घर को अपना घर समझकर अपनी माँ के घर पर चली जाती है। टूनी का भाई टूनी से प्यार करता था, लेकिन टूनी की भाभी टुनटुनी टूनी से बहुत ही चिढ़ती थी। अरे, ये और हमारे ऊपर बोझ बनने आ गई है, खुद तो अपने पति को खा गई और हमारे घर में हम पर बोझ बनने के लिए यहाँ आ गई है। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेलियाँ आती हैं और टुनटुनी सुनाओ कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। अब टुनटुनी टूनी चिड़िया से कहती है, अब तू क्या मेरा मुंह ताक रही है, जा यहाँ से, मैं अपनी सहेली से बात कर लूँ। नहीं भाभी, मैं तो यूं ही आपके पास आ गई थी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेलियाँ कहती हैं, अरे टुनटुनी, ये तेरे यहाँ क्या मुफ्त का खाने आ गई है। अरे टुनटुनी, तुझे नहीं पता, ये मासूम से शक्ल दिखने वाली बहुत ही अंदर से तेज होती हैं, क्या पता कुछ दिन बाद ये तुझसे अपना हिस्सा मांगने लगे। अरे, इसे यहाँ से जल्दी से निकालने के लिए कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम एक दिन हाथ पे हाथ रख के यूं ही बैठी रह जाओगी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति है जो सारे दिन इसके पास ही रहता है, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, मैं इसको कैसे यहाँ से भगाऊं। चलो मैं कुछ सोचती हूँ। अब रात होने पर टुनटुनी का पति चुनमुन अपनी पत्नी को कुछ पैसे रखने के लिए दे देता है और टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मैं यह पैसे तुमसे सुबह ले लूँगा, अभी यह पैसे तुम रख लो। जी, आप मुझसे सुबह ले लेना, मैं अभी इसे संभाल कर रख देती हूँ। तभी टुनटुनी सोचने लगती है, अरे ये टूनी को बाहर निकालने का बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना यह पैसे मैं उसके कमरे में ले जाकर रख दूँ। तभी टुनटुनी चुपचाप टूनी के कमरे में वह पैसे रख के आ जाती है। अब सुबह होने पर टुनटुनी का पति चुनमुन टुनटुनी से पैसे मांगता है। अरे टुनटुनी, वह पैसे दो जो मैंने तुम्हें रात को दिए थे। जी, अभी देती हूँ। तभी टुनटुनी रोने का नाटक करने लगती है। अरे वह पैसे तो यहाँ से गायब हो गए, मैंने तो बड़े संभाल कर रखे थे। अरे टुनटुनी, ऐसे कैसे हो सकता है, रात को तो मैंने तुम्हें वह पैसे दिए थे। अरे मुझे नहीं पता, क्यों ना हम टूनी के कमरे में वह पैसे देख कर आए, चलो चलते हैं। अब टुनटुनी और चुनमुन टूनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया के कमरे में से वह पैसे निकल आते हैं। अब टूनी चिड़िया रोने लगती है, नहीं भाई, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं, मैं तो आपसे पहले ही कहना चाह रही थी, पर आप है जो मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, यह टूनी ने ही पैसे चुराए होंगे। अब तुम्हारे लिए मेरे यहाँ कुछ जगह नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। और इस तरह टूनी चिड़िया को उसका भाई उसके घर से निकाल देता है। अब टूनी चिड़िया बेसहारा इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे वहाँ पर मिट्टी के दिए बेचने वाली दिख जाती है। तभी वहाँ उनके पास जाती है और कहती है, अरे बहन, ये मिट्टी के दिए तुम लोग कहाँ से लाती हो। तभी दूसरे दिन से टूनी चिड़िया भी मिट्टी के दिए बेचने लगती है। टूनी चिड़िया के दिए उन लोगों से कुछ हटके थे, इसलिए टूनी चिड़िया के दिए जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। अब टूनी चिड़िया पर कुछ पैसे आ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेती है और उस छोटे से घोंसले में टूनी चिड़िया दीपावली खुशी खुशी मनाती है और अपना छोटा सा घोंसला चारों तरफ दिए से जगमगा देती है। इस तरह टूनी चिड़िया की दीपावली बहुत अच्छी मनती है। हमें किसी भी गरीब का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौए के साथ रहती थी।
कालू कौआ और टूनी चिड़िया की अभी अभी नई शादी हुई थी, इसलिए वह दोनों बहुत खुश रहा करते थे। कालू कौआ टूनी का बहुत ख्याल रखता। वह आए दिन कहीं न कहीं बाहर घूमने जाया करते थे। ऐसे ही शादी को 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन टूनी, अजी सुनते हैं आप पापा बनने वाले हैं, मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ। अरे टूनी, ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो आज फिर कहीं घूमने चलते हैं। ऐसे ही वह खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे कि एक दिन इन कालू की माँ और बहन गांव से कालू के पास आ जाती हैं। अब कालू की बहन कहती है, अरे बाह भैया, आपने तो शादी भी कर ली और हमको बुलाया भी नहीं है, अब तो हम यहीं रहेंगे। अरे हाँ हाँ मेरी छोटी बहना, तू अब अपने भाई के पास ही रहना। टूनी भी उनके आने पर बहुत खुश थी और उन लोगों का बहुत ख्याल रखती, लेकिन कालू की माँ और बहन को टूनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कालू ने टूनी से अपनी पसंद से शादी की थी। एक दिन कालू और टूनी बाहर घूमने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी कालू की बहन टूनी के पास आती है। अरे भाभी, आप लोग कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, हम लोग घूमने जा रहे हैं, आप भी चलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, वैसे भी मेरा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है। अच्छा दीदी, तो मैं आपका सिर दबा दूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ घूम कर आओ। अब कालू की बहन सीधा कालू की माँ के पास जाती है और उससे कहती है, अरे माँ, ये क्या रोज का नया नाटक लगा रखा है, जब देखो वहाँ घूमने घूमने जाते रहते हैं, अगर घर में कोई काम नहीं है तो चुपचाप यहाँ बैठ नहीं सकती क्या? अच्छा, आज मैं देखती हूँ वो कैसे घूमने जाते हैं। और तभी, ओह माँ मर गई। तभी कालू और टूनी भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। अब कालू की माँ कालू से कहती है, अरे कालू, तुझे मेरी जरा भी चिंता है कि नहीं, मैं कितनी बीमार हूँ और तुम लोगों को घूमना सूझ रहा है, जरा घर में भी ध्यान दिया करो। तभी टूनी, अरे माँ, आप बीमार हो तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं आपके पास घर पर ही हैं, आपको कोई जरूरत हो तो आप हमें आवाज दे देना। इस तरह टूनी और कालू को रोक कर वह बहुत खुश होती हैं। अब एक दिन कालू ऑफिस के लिए बाहर चला जाता है। अब कालू की माँ के दिन ब दिन टूनी पर अत्याचार बढ़ते ही जाते हैं और दोनों माँ बेटी मिलकर टूनी को घर से निकालने का प्लान बना लेती हैं। तभी एक दिन, अरे टूनी कहाँ मर गई, जरा मेरे पास आ, देख मेरी कितनी तबीयत खराब है, मेरे लिए दवा लेके आ। अब टूनी कालू की माँ के लिए दवा लेकर आती है। तभी उसकी बहन टूनी के हाथों से वह दवा फेंक देती है और कहती है, अरे भाभी, तुम बिल्कुल अनपढ़ हो क्या, ये दवा है और ये दवा की अगर जहर उठा लाई हो क्या हमको मार के छोड़ोगी। और इस तरह वह टूनी को घर से निकाल देती हैं। अब टूनी रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है। तभी उड़ते उड़ते वह काफी दूर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगती है। अरे कालू जी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हूँ, अब मैं किसके सहारे यहाँ रहूँगी और मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे रहने के लिए कोई भी घर भी नहीं है। तभी टूनी को वहाँ एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है। अब टूनी उस नारियल के पेड़ में से एक नारियल तोड़ के अपना घर उसी में बना लेती है और टूनी कुछ दिनों के बाद 2 अंडे देती है। और फिर वहाँ पर कुछ दिनों के बाद कालू भी आ जाता है। अब कालू और टूनी अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते।